नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। आज रमजान के चौथे रोजे पर आम रोजा अफ्तार का आयोजन किया गया। जबलपुर मुस्लिम धर्मावलंबियों का पवित्र माह रमजान पर्व के मौके पर आज मंडी मदार टेकरी कब्रिस्तान गेट नंबर 1 पर हजरत बाबा मुल्ला जमाली रहमतुल्ला अलैह का उर्स मनाया जा रहा है, जिसमें दोपहर चादर संदल जुलूस बाबा जमाली पहुंचा, जहां गुलपोशी चादर पोशी की गई। शहर और देश में चैन अमन की दुआ मांगी। इस रमजान के मौके पर आज बाबा जमाली के दरबार में पहला जुम्मा आम रोजा अफ्तार का आयोजन किया गया। इससे रोजा अफ्तार में सैकड़ों रोजेदारों ने शिरकत करते हुए अफ्तार किया। रात्रि में 11 बजे बाबा जमाली में महफिल समा का आयोजन किया जा रहा, जिसमें दरबारी कव्वाल अपने कलाम पेश करेंगे। इस अवसर पर हजरत मिराज बाबा सफवी खादिम बाबा जमाली दरबारे बुनियाद मतीन अंसारी पार्षद इश्तियाक अंसारी गुट्टू नबी पार्षद मुख्तार सहित अन्य लोगों की उपस्थिति रही। रोजा अफ्तार के बाद हिन्दुस्तान के लिए अमन और शांति की दुआएं मांगी गयी। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। नहमद रसूल करीम मुहम्मद हाउस बिल्ला सईदवान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दरबार जमाली हजरत बाबा मुल्ला जमालुद्दीन रहमतुल्लाह का चार रमजान को उर्स मुबारक। इस मौके पे दोपहर 3:30 बजे चादर पोशी गुलपोशी का अहतमाम किया गया, बाद इसके अफ्तार का अहतमाम किया गया और बाद नमाज तराबी महफिल समा आबादहू कुल पर उर्स का अख्ताम होगा। अफ्तार में कसी तादाद से लोग हाजिर हुए और माह रमजान माह सयाम की रहमत और बरकात की जो फजीलत है और उसके तमाम आलम मुसलमानों के लिए, तमाम हिंदुस्तान में अमन और शांति के लिए दुआएं की गई और तमाम लोगों को इस आस्थान आलिया से जो फैज हासिल करने का मौका मिला। दरबार जमाली से एक गंगा जमुना तहजीब, एक मोहब्बत, एक इंसानियत का जो पैगाम हमेशा बढ़ता था और बढ़ता रहेगा, ये जारी सारी रहेगा और हम इसी के साथ दुआएं करते हैं। इसी तरह भाईचारा, प्रेम, मोहब्बत, इखलाक बना रखें और अमन और शांति का पैगाम देते रहें। दरबार जमाली खादिम बाबा जमाली। इस खबर पर आपकी क्या राय हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।